الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم آج عيد الفطر کا دن ہے کل شام پر ماہ رمضان مبارک مکمل ہوا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت گزار کی عبادت کو قبول فرمائے جس شخص کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا عید الفطر کے دن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر چند باتیں پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عید الفطر کے دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا عید کے دن فوت ہوئے تھے گزشتہ سال میں نے حضرت کی زندگی کا خلاصہ دہرا لیا تھا
और कुछ बातों की तरफ इशारा कर दिया था जो नहायत इल्मी थी, और कुछ बातों को मैंने छोड़ दिया था। वो मेरा ख़्याल ये है कि तलबा के लिए हैं, वो ख़ुद ही इंशाअल्लाह अपने असातज़ा से उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, ख़ुद ही समझेंगे। पे मैं सोच रहा था कि आज ईद से पहले चंद बातें अर्ज़ करने के लिए, तो कोई बात समझ नहीं आई एक बात के सिवा कि कई साल पहले जब अभी ये कोरोना की वबा नहीं थी, मैंने एक सबक शुरू किया था मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर, जिसके दो हिस्से मैंने बयान किए थे और इत्तेफाक़ से वो दोनों शब बारात में बयान किए थे, शाबान की 15वीं को। उसके बाद उसका तीसरे हिस्से का इरादा था, क्योंकि वो अधूरा था। पहला हिस्सा गालिबन जब मैंने बयान किया तो सन 2018, तब हमारा यहाँ पहला साल था। उसके बाद दूसरा साल आया सन 2019 में, तो शाबान शब बारात के मौके पे मैंने उसी बाब का अगला हिस्सा दोहराया था। फिर इरादा किया था कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो आगे चलेंगे, लेकिन आपको याद होगा सन 2019 के आखिर में ये कोरोना की वबा फूटी जो पूरी दुनिया पे फैल गई और 3 से 4 साल का सारा निज़ाम, हर इंसान का, चाहे उसके घर का माहौल हो, उसके दफ्तर का हो, इबादत गाहें हों, सारा निज़ाम इंसान का इधर से उधर हो गया। सुना है और महसूस किया है हज़ारों लोग कब्रिस्तान में बस गए और कई माजूर हो गए, कुछ अल्लाह ताला की इनायत से बच गए, तो उसकी वजह से वो दर्स भी फिर रुक गया था। तो रात को मैंने उसको फिर से देखा, क्योंकि कई पैगामात आए तलबा की तरफ से या दूसरे अहबाब की तरफ से कि उसको आगे करें, उसको आगे बयान करें। अब बहरहाल मैं नहीं वक्त निकाल पाया, तो मुझे रात को ख़्याल आया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर तो चंद बातें जो मैंने कई अकसात में पढ़ी वो तो मैंने पढ़ दी, तो क्यों ना मैं उस रुके हुए सबक को ईद के इस मौके पर 15-20 मिनट में चलें, जितना आगे बढ़ सके। सारा तो नहीं बयान हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत शायद किसी के काम आ जाए, कोई बात। वो बात ये थी जो मैंने मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उस गुज़श्ता कई सालों पहले के दर्स में आखिर में बयान की थी, जहां वो बयान रुक गया था। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि इत्तेफाक कहिए या जो भी, कि जो कल शाम को इस्लामी जनवरी का महीना पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, वो माह रमज़ान था, और ईद उल फित्र के दिन से शवाल का महीना शुरू होता है। ईद उल फित्र जो होती है यह शवाल की पहली होती है। कल शाम को ही मैं अर्ज़ कर रहा था कि माह रमज़ान मुकम्मल हुआ, सूरज ग़ुरूब हो जाता है, रोज़ा इफ्तार हो जाता है, माह रमज़ान ख़त्म हो गया। तो जैसे ही माह रमज़ान ख़त्म होता है शव्वाल का चांद तुलू होता है, और शव्वाल का चांद जब तुलू हो तो वो ईद उल फितर होता है, और यहीं से फिर हज का मौसम शुरू होता है,
और ये आगे चलेगा इंशाल्लाह ईद उजुहा से आगे तक। रात को मेरे में जब उस दर्स पे नजर सानी करने लगा तो मुझे ये चीज इत्तेफाकी तौर पर महसूस हुई कि जो वाकया हमने अब बयान करने का सोचा था वो उस जमाने में शवाल ही में पेश आया था, अगरचे वो अधूरा रह गया लेकिन शवाल ही के महीने में वो वाकया पेश आया था और शवाल ही की 15 तारीख तय पाई थी। लगभग इस किस्से को 95 साल गुजर गए, अब तो उस जमाने के लोग रहे नहीं, किताबें रह गईं। बात यह थी मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के जिस किस्से को मैंने वहां जहां तक पढ़ा था, क्योंकि कई साल गुजर गए हैं और आप में से कई हजरात तो तब थे भी नहीं, उसका थोड़ा सा इब्तदाइया तो मुझे दोहराना पड़ेगा कि एक मसला जेरे बहस आ गया था। अब दौर बदल गया है और हमारे अकाबिर ने लिखा है, मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ही ने लिखा है एक ख़त में, हजरत के उस ख़त का एक हिस्सा अक्स की सूरत में है मेरे पास, उसमें हजरत ने लिखा है कि हमने अपने ज़िंदगी के 10 साल इन राहों पे गुजारे। हजरत ने लिखा है कि मकसद ये होता था कि सामने वालों को कुछ गलत फहमी हो, मुमकिन है इल्मी हो इबारती हो, उनसे गुफ्तगू करके सामने वाले की गलत फहमी को दूर किया जाए, उनकी इस्लाह की जाए, ये मकसद होता था। लेकिन हजरत ने लिखा है कि हमने जिन लोगों के सामने आमना सामना करते हुए 10 साल ज़िंदगी के गुजार दिए, 10 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सामने वालों को कोई गलत फहमी नहीं है, उन्हें जिद है और जिद का कोई इलाज नहीं है। जो वाकया हम थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा उसका पस मंजर भी कुछ इसी तरह का हुआ। कुछ बातें इंसान काश कह के रुक जाता है कि हम कहते हैं काश वैसे ना हुआ होता, और कुछ बातें ऐसी हैं कि इंसान कहता है काश ऐसा हुआ होता। उनमें से एक वाकया वो भी है जो मैं पढ़ने चला हूं। मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है, वो जो दर्स थे वो मैंने किताबी सूरत में पढ़े थे, आप जुबानी सुनिए। आप किस्सा ये हुआ था जो आज भी कहीं ना कहीं भयानक आवाजों की सूरत में सुनाई देता है, अगरचे अब अक्सरियत शायद उन पे इतना ध्यान नहीं देती, उसके कारण अनेक हैं, दुआ ही कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा या पढ़ा हो, मैं नहीं कह सकता। हमारे माहौल में एक झगड़ा कह लें आप या बहस कह लें, भले इल्मी कह लें, रहता था और रहता है, जिसे देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ कहा जाता है। और ये है, अब कोई अगर ये कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है तो ये तो बात ऐसी नहीं है, इख्तलाफ था और अब भी है। उस जमाने में जो आज से कोई, मैंने अर्ज किया शायद कोई गलती होगी तो मेरी तरफ से होगी, जहां तक मुझे याद आ रहा कोई 95 साल पुराना वाकया है, कुछ लोगों ने यह चाहा कि अल्लाह एक है, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही है, खुदा का पाक कलाम भी एक ही है जिसको कुरान कहते हैं, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में
हुजूर की उम्मत में मुज्तहदीन कई पैदा हुए। ये इल्म का खास मुकाम होता है। कई पैदा हुए, लेकिन ये याद रहे कि वक्त के उलमा ने लिखा कि रहना एक ही के पीछे। मानते हम सब क्यों हैं, रहते एक के पीछे। आप सबके पीछे चल नहीं सकोगे। दूसरों का हम एहतराम करते हैं, चलते एक के पीछे। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कह रहे हैं या वो गलत जा रहे हैं, ना। हम ये कहते हैं जो आइमा मुज्तहदीन हैं वो सारे के सारे बरहक हैं। एहतराम हम सबका करते हैं, लेकिन चलते एक के पीछे हैं, जिनकी निस्बत से हम हनफी कहलाते हैं। अब आप देख लें, हजरत आदम से लेकर हुजूर तक अल्लाह के अंबिया का सिलसिला हजारों। ईमान हम सब पर रखते हैं, बरहक हम सबको मानते हैं, एहतराम हम सबका करते हैं, चलते एक के पीछे हैं। वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके पीछे हम चल नहीं सकेंगे। एक वक्त में आप एक ही के पीछे चलेंगे, इसी में सलामती है। हां, बरहक हम सबको कहेंगे। अल्लाह माफ फरमाए अगर कोई शख्स यह कहे कि नहीं जी वो बरहक नहीं थे, तो ये तो इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा। बरहक सारे थे, चलना एक के पीछे। उस जमाने के कुछ लोगों ने, चाहे उनका ताल्लुक देवबंद मसलक से हो या बरेली मसलक से हो, जरूरी तो नहीं होता कि हर मसलक में जो है वो सारे ही जोशीले हों, कुछ संजीदा लोग भी होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जो इन दोनों मसलक के अहले इल्म हैं, इनको एक जगह जमा कर लिया जाए, जो खास होते हैं। तो और अगर जाहिर बातें देखें, एक तो है ना आवाम, जो मेरे साथ रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मेरी जय जयकार करेंगे। जो किसी और के साथ रहते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, वो उसकी जय जयकार करेंगे। अब उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों तरफ के इल्मी लोगों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो ऐन मुमकिन है कि ये जो झगड़ा है, जिसको देवबंदी बरेलवी के उन्वान से बयान किया जाता है, ये मुमकिन है खत्म हो जाए। जब अहले इल्म इकट्ठे हो जाएंगे, तो अवाम दोनों, कोई इधर है कोई उधर है, तो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। मकसद समझ आया? अच्छा, जब ये बात चली, हम भी कहते हैं काश अगर वो बात हो जाती तो बहुत अच्छा होता। मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अहले इल्म ने कोशिश की, मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह का इंतखाब किया गया। उस जमाने में दो चार और उलमा थे, उनका इंतखाब किया गया। वो मैं सारा गुज़श्ता दर्स में पढ़ चुका था, वो सारा क्या दोहराऊं। और बरेलवी मसलक के कुछ अहबाब भी लिए गए जो उनके अहले इल्म थे। मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह ने एक बात बड़ी अजीब लिखी है कि उस जमाने में उन बातों में एक बात ये जेरे बहस आई कि देखें, अब एक तरफ मैं गुफ्तगू करूं, एक तरफ आप करें, इसको उमूमन कहा जाता है मुनाजरा। और मुनाजरा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि झगड़े का ही नाम है, अगरचे इल्मी सही, लेकिन अवाम फैसले नहीं कर सकती, फैसले जज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना, अवाम मेरी तरफ अगर कोई मेरे साथ लगाव रखते हो, मेरी जय जयकार करेंगे। जो आपके साथ अगर लगाव रखते हो, आपकी जय जयकार करेंगे। बाकी माशाल्लाह फहम के लिहाज से दोनों फारिग होते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, उनको तमीज ही नहीं होती। अब उनमें जो संजीदा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आखिर ये जो गुफ्तगू होगी दोनों तरफ से, तो अवाम का तो ये हाल है, अगर इधर वाले साहब की तकरीर अच्छी लगी तो इसकी जय जयकार कर देंगे, सामने वाले की अच्छी लगी तो उसकी कर देंगे, इनका तो एतबार नहीं होता। कोई ऐसे शख्स को चुना जाए जो जज हो,
या जिनको कुदरत ने फैसले की सलाहियत बख्शी हो। हर आदमी तो फैसला नहीं कर सकता, बस यहां तक समझ आई है आप हजरात को? अगर आप हजरात थोड़ी सी मेहरबानी करें और आगे आगे आ जाएं तो सारा रश वहीं जमा हो रहा है, आगे आगे आ जाएं, नमाज पढ़ के आप इंशाल्लाह इस दरवाजे से भी निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ईद के बाद तो कोई नमाज तो आपने पढ़नी नहीं जो नमाजी के आगे से गुजरने का डर हो, या ईद के बाद भी कोई नमाज पढ़ेंगे आप? मैं वैसे रात को ही सोच, खैर फिर बात रह जाएगी, वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा, उस जमाने में मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जज के लिए जो बहस हुई उस जमाने में, क्या ठीक है ये? अच्छा, ये हिंद की तकसीम के पहले का वाकया है, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, हिंद था सारा। उन्होंने कहा कि जज लिया जाए, लेकिन ये ऐन मुमकिन है ना कि अब मसलन इतना बड़ा ये वाकया हो तो एक जज कोई राय दे तो मुमकिन है कि शायद किसी को शुबो हो या कोई ये आवाज उठाए कि नहीं नहीं इन्होंने तरफदारी का काम कर लिया है। भाई तीन नाम उन्होंने मुंतखब किए जो उस जमाने में अपने वक्त में चोटी का मुकाम रखते थे, जिनको कुदरत ने खास सलाहियतें बख्शी थी। एक उनमें अपना नाम था शेख सादिक हसन, ये अमृतसर के रहने वाले थे पंजाब। अच्छा, एक उस जमाने में मौलाना असगर हुसैन रोही हुआ करते थे, आपने तो शायद नाम भी ना सुना हो, सुना है? बोलो तो सही, लाहौर शहर के थे। अब हम सच पूछे तो अपने इन अहबाब को नहीं जानते ना, तो भूल भाल गए हम लोग। अच्छा, ये दो नाम तो अपनी जगह, लेकिन एक तीसरा नाम उन्होंने मुंतखब किया था जिसपे मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह भी अशश कर उठे थे। बल्कि हजरत ने लिखा है अपनी उस किताब में कि ये जो पहले दो नाम है ना, ऐन मुमकिन है कि कोई इनसे ना वाकिफ हो, कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन जो तीसरा नाम मुंतखब किया गया था वो ऐसा था जिनका नाम चांद की तरह चमकता था, हर इंसान उनकी इज्जत करता था, वो तीसरा नाम था जिनके तारुफ की कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें दुनिया आज भी अल्लामा इकबाल के नाम से याद करती है। अल्लामा इकबाल को तो जानते हैं ना आप? हाँ, देखा आप, मुमकिन है आपको, आप तो दौर बदल गया ना। हमारे ये जो नई पीढ़ी है इनको तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि इनको याद नहीं, हमारे दौर में था। शायद आप में से कोई हो, वो अपना हम भी जब पढ़ा करते थे ना, अब तो सारी बातें तो नहीं याद रहती। टहनी पे किसी शजर की तनहा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई वो उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक के हर चीज पे छा गया अंधेरा, बुलबुल की सुनकर ये आहुजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को अगरचे हूं मैं कीड़ा जरा सा। याद है आपको? फिर तो बड़ी याददाश्त है भाई, मुझे बस ये चंद एक मिसरे याद रह गए, तो भूल भाल गए हम भी अब। अच्छा, एक और होता था अपना, पता नहीं आपको, या करीमा, वो याद है आपको? नहीं याद है, वो नहीं याद। हम वो हम बहुत छोटे छोटे होते थे, पता नहीं किस तरह वो जहन में रह गया, वो भी सारे मिसरे उसके नहीं याद रहे, उस्ताद दोहराया करते थे याद हो गया, अभी तो भूल भाल गए, उम्र बढ़ भी गई, वो चीज़ें नक्श से मिट गई। करीमा हुआ करता था उसका नाम, ये कायदा था असल में एक, उसमें अल्लाह ताला की तौहीद सिखाई जाया करती थी। निदारे मगैरस तू फरियाद रस के तू ही आसियारा खता बख्श बस, ये उस्ताद कहा करते थे पढ़ो, उस वक्त बस ऐसे ही पढ़ते थे। अब याद आता है, कहते हैं काश वो सब अच्छी तरह याद किया होता, मगर दौर गुजर जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, बड़े लोग थे। करीमा याद है आप लोगों को? नहीं याद, चले खैर। बहरहाल जो बात कर रहा था, इकबाल मरहूम का नाम तीसरा उन्होंने इंतखाब किया, वो तो किसी नाम, वो नाम तो किसी तारुफ का मोहताज था ही नहीं। उन्होंने ये तय किया कि ये जिसको देवबंदी बरेली इख्तलाफ कहा जाता है, अगर ये आमने सामने अहले इल्म बैठ जाएं और ये तीन हजरात अगर फैसला करें इन दोनों तरफ की बातों को सुनकर, तो फिर फरीकैन का काम अपना ये काम होगा कि इन जज साहिबान के फैसले को तस्लीम करें।
देखें आवाम तो फैसला नहीं कर सकती ना, लेकिन ये तो साहिब इल्म थे ना, ये जो तीनों नाम थे कुदरत ने इनको खास मकाम बख्शा था। और हकीकत ये है कि अपना हमारे यानी ये नहीं कि मैं और आप कहते हैं, बल्कि उलमा यूं कहते हैं कि कुदरत ने इकबाल मरहूम को दीन का भी फहम बख्शा था। आज भी आप उनकी शायरी पढ़ लें, बड़े साहिब इल्म लोग थे, आदमी यानी दंग रह जाता है। खैर बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये करें कि मुनाजरा तय हुआ और उसके लिए शव्वाल ही का महीना मुंतखब किया गया था, जो महीना आ जाए। लेकिन इस वाक्य को 95 साल लम्ब कमोबेश गुजर गए, लेकिन मुनाजरा फिर हो ना पाया, बस वो अबहास और शरायत की नजर ही रह गए। उसकी तफसीलात बड़ी तलख हैं, वो मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह ने लिखी हैं, लेकिन मेरे हाल में वो यहाँ बयान करने की नहीं है। बहरहाल हमें अफसोस हुआ कि वो रह गया, अगर वो होता तो मुमकिन है कि आज इस इख्तलाफ की नौयत कुछ और होती। बहरहाल अल्लाह करेंगे शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत फिर इकट्ठी जुड़ेगी इंशाअल्लाह। मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की अगली बात बयान करने से पहले, जो आगे हजरत ने एक बाब अल फुरकान के नाम से उसी किताब में लिखा, उसमें आगे चलकर हजरत ने अल फुरकान का तारुफ लिया। हजरत के जमाने में एक रिसाला छपा करता था, उसके बारे में हजरत ने लिखा। उसके बाद हजरत ने एक बाब बांधा अपनी उस किताब में, जिस पर हजरत ने अपनी किताबों का तारुफ कराया, जो हजरत ने किताबें लिखी। जाहिर बात है मैं और आप पहले पढ़ते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब हम नहीं पढ़ते, हो सकता है आप पढ़ते हो, पढ़ते हैं, और आप बाकी कसर जो है वो इसने खत्म कर दी। अच्छा हो सकता है आप माने ना माने, मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह की बात पढ़ रहे हैं ना, इनके उस्ताद हुआ करते थे, मुमकिन है आपने नाम सुना हो, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। मुझे आज भी याद है मौलाना अब्दुश्शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, फौत हो गए, ज़माने हो गए। हजरत ने एक दफ़ा एक बात नकल फरमाई थी, हजरत देवबंद गए थे, हजरत फरमा रहे थे कि एक दफ़ा मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह देवबंद कुतुबखाने के सामने से गुजरे तो चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई। ये मौलाना अब्दुश्शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया था, बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे याद है। हजरत ने फरमाया था कि सामने जो कुतुब खाना था, तो हजरत की नज़र उस कुतुब खाने पर पड़ी। एक बात आपको बताऊं अपने तजुर्बे की, एक किताब वो होती है हमारे सामने आए ना जो हमने ना पढ़ी हो और बात है, लेकिन एक वो किताब जो हमने पढ़ी हो और उस पर हमारी नज़र पड़े, फिर हमारे दिल की कैफियत कुछ और होती है। लेकिन ये तजर्बा उसका होगा जिसको पढ़ने की आदत हो। अगर मेरे और आपकी तरह हो, जिनके के लिए किताबें बराबर हों पढ़ी अनपढ़ी, तो फिर कोई वो कैफियत हासिल नहीं होती। अब हमारा जौक नहीं रहा है, मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह ने जो उस कुतुबखाने की तरफ देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई। पूछा कि हजरत चेहरे पर मुस्कुराहट की क्या वजह थी, फरमाया चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह यह थी कि उस कुतुबखाने में 16,000 किताबें थी। कितनी थी? मौलाना ने फरमाया था कि मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह से डर के हम कहते हैं कि हमें ये 16,000 किताबें पड़ी हुई हैं। और अगली बात सुने शायद आप हैरान हो जाएं, मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह के अल्फाज मौलाना दीनपुरी रहमतुल्लाह ने नकल फरमाए थे कि मोहतरम फरमाते थे न सिर्फ ये कि ये 16,000 किताबें हमने पढ़ी हैं, बल्कि अल्लाह से डर के हम कहते हैं कि हमें हुजूर के सदके ये 16,000 किताबें जुबानी याद है। अब हम अपने बड़ों को भूल गए। आज मेरी तरह कोई हो, आपकी तरह कोई हो, अल्लाह ताला बचाएं, 2-4 किताबें पढ़ने के बाद ख्याल आने लगता है यार मैं अगर बहू नहीं ना तो काफी जरूर पढ़ गया। क्या पढ़ गया हो तुम? और ये बुनियादी झोल होता है। दुनियावी जितनी मालूमात हम हासिल कर लें हमें कम लगती है,
दीन की थोड़ी सी मालूमात हम हासिल कर लें हमें काफी लगती है। यह बुनियादी झोल है, ऐसा शैतान ने वसवसा डाला है कि हम सब इस मर्ज के मरीज हैं। अच्छा एक और बात सुने, हो सकता है आप ना माने कि इतनी बड़ी बात, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मोहतमिम दालूम देवबंद मोहतरम फरमाया करते थे कि मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह को कभी कभी इंसान ये चीजें जब सुनता है पढ़ता है हैरान होने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी वजह यह है हम उन बड़ों को अपने पे क्यास करने लगते हैं, हम नहीं कर सकते। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मोहतमिम दालूम देवबंद ने फरमाया था कि मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा, हजरत फरमाते थे कि मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम अल्लाह से डर के कहते हैं कि 5 साल की उम्र से लेकर, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था जिस वक्त हजरत ये बात फरमा रहे थे तब 60 साल के थे, हजरत ने फरमाया था 5 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक हमें याद नहीं है कि हमने किसी किताब को बेवुजू हाथ भी लगाया। अच्छा ये बात भी कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने फरमाई थी, मोहतरम ने यह बात कुरान पाक के लिए नहीं फरमाई थी, अहदीसे तैयबा की किताब के लिए नहीं फरमाई थी, कोई भी किताब किसी भी फन पर हो इस्लाम से उसका ताल्लुक हो मोहतरम बेवुजू उसको हाथ नहीं लगाते थे। जब उनके अदब का यह आलम होता था तो फिर करम भी खुदा के ऐसे ही बरसते थे ना। जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों से वाबस्ता फरमाए, इसलिए हमारे मौलाना रूमी फरमाया करते थे कि दीने इस्लाम को जरूर समझो लेकिन दीने इस्लाम को उस तरह समझो जिस तरह हमारे बड़ों ने अपने बड़ों से समझा है, यही अमन की राह है। अच्छा एक बात सुनना, मौलाना अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे खूबी मान लेनी चाहिए चाहे गैरों में भी हो। एक बात आपको सुनाता हूं, सुनो, अगर मैं गलत नहीं हूं जहां तक मुझे याद आ रहा है यह वाकया सन 93 का है, हो सकता है सन में शायद मुझे कोई गलत फहमी लगी हो क्योंकि उस मजमून में उन्होंने गालिबन के साथ इस सन को लिखा है। उस जमाने में मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी हुआ करते थे, वो सन 1994 में यहां भी तशरीफ लाए थे पहली और आखिरी दफा। मोहतरम का एक मजमून छपा था किसी जमाने में, सन 93 में एक किताबी नुमाइश हुई थी किताबों की जर्मनी में कि जिस इंसान के पास किताबें हों जखीरे हों वो पेश करें क्या जमा किया है वगैरह इस तरह की। अच्छा हजरत ने, अच्छा ये आप शायद माने या हो सकता है ना भी माने, उस जर्मनी के उस कुतुब की नुमाइश में एक लड़की आई थी वो अतालवी थी। अच्छा ये भी है, ये भी आपको बता दूं कि वो मुसलमान भी नहीं थी। मुसलमानों का तो अब खैर वो क्या है कि जी क्या चाहिए कि जी भूखे को क्या चाहिए 2 रोटियां और क्या है, मुसलमानों का तो अब माशाल्लाह यही हाल है इल्ला माशाल्लाह, आप मान लो आप तजर्बा कर लें। आज देखो आप ये सारे बैठे हुए हो ना यहां पर, माशाल्लाह जल्दी भी आप लोगों को, कब 9:15 होंगे, मैं आपसे पूछता हूं कम से कम 40-50 तो आप बैठे होंगे, आप में से कोई तजर्बा कर लेना, कोई ऐसा आदमी हाथ उठाए और वो कहे कि मेरे घर में हजरत उमर पर 7 किताबें मौजूद हैं। कितनी? मैं ये 7 क्यों कहता हूं, अभी क्यों कह रहा हूं आगे बताता हूं। एक आदमी मुझे बताए कि जी मेरे घर में हजरत उमर पर 7 किताबें हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसमें एक लड़की आई, अच्छा वो यहूदी थी, आप शायद हैरान हो उस रिपोर्ट में आज भी, अच्छा और वो इतनी पढ़ी लिखी हुई थी कि उस जमाने में उसने ऑक्सफोर्ड और कनाडा यूनिवर्सिटी से 3 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। वो जब वहां पर आई उस नुमाइश, किताबों की नुमाइश में जब उसने हिस्सा लिया, उसने 7,000 किताबें तन्हा हजरत उमर पर पेश की थी। कितनी? आप इसलिए नहीं बोल रहे हो कि आपको यकीन नहीं, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। ये उस जमाने में वीकली न्यूज एक रिसाला छापा करता था न्यूयॉर्क में, उसमें छापा था, उनका इंटरव्यू छापा था, वॉइस ऑफ अमेरिका ने छापा था
और उसने बाकायदा पूछा था कि आपने इतनी किताबें एक शख्सियत पर, वॉइस ऑफ अमेरिका को भी यकीन हो गया इतनी तो मुसलमानों के पास नहीं है, तो ये लड़की ने कैसे इकट्ठी कर ली। उसने वजह बताई थी, वो मैं आपको नहीं बताता, आपको शौक ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन हम हैरान हो गए, आपको तो यकीन ही नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि जिस उस यानी हैरानगी की आलम है, 7000 का, हमारे मुसलमानों का 7 किताबें नहीं है, 7000 एक एक किताब मुख्तलिफ जुबानों में उसने इकट्ठी की थी। उसके बाद हम कहें कि जी एक मौलवी यूं कहता है, दूसरा यूं कहता है, हम कहां जाएं, यहीं रहोगे और कहां जाओगे। बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए, यही कह सकते हैं और क्या सकते हैं। मैं खुद को भी कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, अपने आप को बदलो। कोई फरिश्ते नहीं आएंगे मुझे और आपको बदलने के लिए, कोई अब अल्लाह के नबी नहीं आएंगे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको और मुझे बदलने के लिए। एक दूसरे का ही मैं और आप कंधा बन सकते हैं, मैं और आप जिस पानी में हैं हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें अपने जो आगे होते हैं वो जुनैद बगदादी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, जैसी रूहें होंगी ना तो फिर वैसे ही फरिश्ते हों, इसलिए मैं भी बदलूं। और अच्छा, ये माह रमज़ान में खैर से मदारिस आबाद थे, मसाजिद आबाद थी, लोग जिक्र अस्कार कर रहे थे। अब माह रमज़ान के बाद, कल ही मैं हैरान था, कल असर की नमाज जब हमने यहाँ पढ़ी तो मेरे पीछे दो बंदे थे। मैंने कहा अल्लाह माशाल्लाह, आखिरी रोज़ा था, कितने बंदे थे पीछे, बाकी कहां गए। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा कि जो अल्लाह माह रमजान में है वही अल्लाह गैर रमजान में है। इसलिए जो अल्लाह माह रमजान में है वही अल्लाह गैर रमजान में है। माह रमजान में इबादत का ख्याल रखे हो, गैर रमजान में भी रखो। माह रमजान में अगर इसका ख्याल रखे हो जुबान का, गैर रमजान में भी रखो। मैं उस दिन यहां खत्म कुरान पाक वाली बात में वो बात बयान करके खत्म करता हूं। एक बात मैंने नकल की थी, वो जहन में रख लेना। हमारे अकाबिर ने लिखा है, अक्सर औकात हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती, और इसका हमें कहीं ना कहीं ख्याल भी आता है, यार दुआएं करते हैं कबूल तो होती नहीं है। ये सुने मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इस दुआ की कबूलियत के लिए दो पर हैं, वो लगा लो फिर ये दुआ जरूर ऊपर परवाज करेगी। आप जानते हैं ना, परिंदा एक पर से उड़ता है या दो से। हजरत फरमाते थे ये जो जुबान है ना, इस पे जो रखो वो हलाल हो, जो इससे निकालो वो सच हो, फिर हर दुआ कबूल हो। आप और मैं कर लेंगे, बस दुआ करो अल्लाह ताला मदद फरमाए। बाकी अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह हज़रत नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये किस्सा मैं किसी और मौके पे फिर पूरा करूँगा। अल्लाह ताला आपके हम सब के हामी और नासिर हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।